नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिर्फ संदीप पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एगलेस वॉलनट टार्ट बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले स्वीट पेस्ट लेना है, जिसकी रेसिपी आपको पहले से ही हमारे एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगी। हमने स्वीट पेस्ट ले लिया है, जिसको हमने फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। फ्रिज में निकालने के बाद इसको छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं, जिससे बटर थोड़ा सा हार्ड हो गया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको अच्छे से बाइंड कट करना है, फिर उसको फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो इसको अब स्क्रैप करेंगे और इसको डस्ट करेंगे फ्लावर से। इसके बाद इसको रोल करना है और इसको 5 mm की थिकनेस तक हमें रोल करना है। अगर कहीं लगे कि डस्ट चिपक रहा है तो आपको हल्का हल्का मैदा यूज करते रहना है। अगर आप ज़्यादा मैदा लगाओगे तो डो हमारा हार्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैदा इतना ही रोल करना है जितना उसमें चिपके ना, स्टिकी ना हो। अब तो देखो लगभग ये हमने रोल कर लिया है, और रोल करते समय ध्यान रखना है कि हर बार इसको स्क्रैप करना। अगर स्क्रैप नहीं करोगे तो आपका डो टेबल में चिपक जाएगा। जब डो हमारा 5 mm की थिकनेस तक रोल हो जाए तो उसको फिर कुकीज कटर से या बड़े रिंग कटर से आपको कट करना है और इक्वली कट करना है। उसके बाद इसको हम टार्ट सेल में असेंबल करेंगे। असेंबल करते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो टार्ट है टार्ट सेल में, ये स्वीट पेस्ट जो है ना, पतला मोटा ना हो। अगर कहीं पर पतला होगा तो ओवर बेक हो जाएगा, और मोटा होगा वो पार्ट हमारा कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है और नाइफ से स्क्रैप करना है। तो ये आपको करते रहना है, फिर से स्क्रैप करना, जिससे एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो निकल जाएगा। इसको फिर से वापस से लेवल करना है। प्रॉपर लेवल करने के बाद इसको, ये हमारा टार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जब ऐसा हो जाए तो हमारा डन है। इसके बाद वॉलनट एग्लेस फिलिंग है, वॉलनट जिसमें बटर है, हनी है, कॉर्नफ्लावर है, कस्टर्ड शुगर है। तो सबसे पहले हमें बटर को मेल्ट कर लेना है माइक्रोवेव में, या फिर आप पैन में भी कर सकते हो। उसके बाद उसमें मिल्क मैड ऐड करेंगे, मिल्क मैड को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें चीनी, हनी सब मिक्स कर देना, जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वॉलनट को छोड़ के सारा मिक्स करना है अच्छे से। जब अच्छी तरह से देखो सर ये मिक्स हो गया हमारा। इसके बाद जो वॉलनट है उसको थोड़ा सा चॉप कर लेना है, या मैंने अभी तो रोलिंग पिन से क्रश कर लिया है। इससे ज़्यादा बड़े होंगे तो पिलिंग आने में मिक्सिंग अलग होगी। ये मिक्स करने के बाद इसको वापस से मिक्स करना है, और ये हमारी वॉलनट की फिलिंग रेडी हो गई है। इसके बाद इसको जो हमने असेंबल टार्ट है उसमें एक स्पून से या सर्विस स्पून से आपको फिल करना है। हाँ, और फिलिंग 65% से ऊपर नहीं करना है, आधे से ज़्यादा करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा करोगे तो जब बेकिंग होगा तो फिर हमारे टार्ट के मोल्ड के ऊपर तक आ जाएगा। अगर ऊपर आ गया तो हमारे जो एक टार्ट सेल है उसमें चिपक गया, तो फिर वो निकालना टफ हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हमने गाइस फिल कर लिया है। इसके बाद इसको हम ट्रे में लगाएंगे, और इसके बाद इसको हम जो हमारा ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है उसमें इसको हम डाल देंगे बेक करने के लिए 160 डिग्री पे 16 मिनट के लिए। और ये हमने बेक करने के बाद ये निकाल लिया है। वाओ, ये हमारे टार्ट रेडी हैं। अब इनको ट्रे में ही रख के ठंडा करना है, और जब ठंडे हो जाएं तो इसको नाइफ से या हाथ से हल्का सा प्रेस करोगे तो ये आपको निकल आएंगे। तो ये दोस्तों ये हमने निकाल रहे हैं, देखो ये बस ये रेडी हमारा। बस हल्का सा प्रेस करोगे तुरंत निकल जाएगा। अब ये हमारे टार्ट देखो रेडी हैं। इसको प्लेटिंग कर लेना है, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हो। इस पर डेकोरेशन के लिए आप पिस्ता लगा सकते हो, या फिर थोड़ी सी आइसिंग शुगर हम डस्ट कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।